हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदवर पैदा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। हम खबरें लेकर आप तक पहुंचते हैं हर रोज और आपको अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक अहम खबर आ रही है पंजाब के मोहाली से। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक बड़ी पहल की गई है। पंजाब के मोहाली में आज एक बड़े कैंसर अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचे तो उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। आपको बता दूं कि ये वो अस्पताल है जहां 300 मरीजों का एक साथ इलाज किया जा सकेगा और आसपास के जो राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश राजस्थान, इन राज्य के लोगों को काफ़ी फायदा पहुँच सकेगा। और ये कैंसर अस्पताल टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से बनाया गया है और 50 एकड़ की भूमि में इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। 660 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल का आज उद्घाटन किया गया और इस अस्पताल से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। कई तरह की आधुनिक सुविधाएं इस अस्पताल में होंगी। आइए कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, हम आपको दिखाते हैं। आसनसोल के मेयर बने रहेंगे विधान उपाध्याय। विधान उपाध्याय को आज जीत का सहरा मिला। वार्ड नंबर 6 से उन्हें खड़ा किया था तृणमूल कांग्रेस ने और वार्ड नंबर 6 से नगर निगम के चुनाव में उन्हें पुरजोर सफलता मिली है और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को उन्होंने हरा दिया है। और इसके बाद कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखी जा रही है और कार्यकर्ताओं के अलावा आज सबसे पहले आशीर्वाद देने विधान उपाध्याय अपने घर गए। उनकी माता से उन्होंने मुलाकात की और उनके परिवार के दूसरे लोगों से उन्होंने मुलाकात की। कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखी जा रही है और उनकी माँ में भी काफ़ी खुशी देखी गई। उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद लेकर वो अपना काम शुरू करेंगे विधान उपाध्याय। कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। বিশাল পরিমাণে জয়লাভ, এতে কি বলবেন? দিদি উন্নয়নের জয়, বিধান উপাধ্যায় যেভাবে আমাদের বারাবণীকে সাজিয়েছে, মানুষের আশা আছে বিধান নিশ্চয় কর্পোরেশন থেকে পুরো সাজিয়ে দেবে, এই আশায় মানুষ কিন্তু উৎসবের মাঝে ভোট পেয়েছে। তো এত ফল আশা করেছিলেন? হ্যাঁ, মানুষ যেভাবে ভোট দিচ্ছিল দেখছিলাম, ভালো করে ঘর ভোট দিয়েছে, এটা আশা ছিল। আগেবারও 5,100 আমাদের কাউন্সিলর জিতেছিল ওয়ার্ডটাতে। বিজেপি দ্বিতীয় থাকলো না, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। কালি যেভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থায় কাজে লাগাচ্ছে, এভাবে কি ভোট পাওয়া যায়? সিপিএম দেখে উঠে এসছে সেকেন্ডে, দেখলাম আর ভালোই ভোট পেয়েছে, প্রায় 1200 ভোট পেয়েছে। আপনার নাম? আমার অসিত সিং। কত আশীর্বাদ দিচ্ছেন কি আর? বহুত আশীর্বাদ, শুধু আমার একটা আশীর্বাদ তো নয়, সকলের আশীর্বাদে যে বড় হয় না, তাই যে বড়। तृणमूल कांग्रेस बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को आज आसनसोल स्थित सीबीआई के विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया और इस बार सीबीआई हिरासत में न भेजकर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिनों के लिए। 14 दिनों के बाद यानी 7 सितंबर को एक बार फिर से अनुव्रत मंडल की पेशी होगी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला किया। कई तरह के सवाल भी उठाए गए और उन सवालों पर विचार किया जाएगा 7 सितंबर को। फिलहाल पुलिस हिरासत में चले गए हैं अनुव्रत मंडल। देखिए कुछ खास तस्वीरें।
ঝুল আমরা ঢুকছি আমরা ঢুকছি না ঢুকছি না ঢুকছি না গুড মর্নিং মর্নিং ঠিক আছে ঠিক আছে দুটো মাথা ফ্রি সামনে যাবি না সামনে যাবি না সামনে কেউ যাবে না দেখুন আমাদের আমরা জামিনের আবেদন করেছি, সেই জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। আগামী 7 তারিখ অবধি ওনার জুডিশিয়াল কাস্টডি হয়েছে। 1 তারিখে ওনার যে মোবাইলগুলো সিএফএসএলে পাঠানোর যে আবেদন ছিল সিবিআইয়ের, সেটা এই মুহূর্তে গ্রাহ্য হয়নি, আজকে হিয়ারিং হয়নি। তো 1 তারিখ আদালত, মহামান্য আদালত সেই দিনে ওই সিএফএসএলের যে হিয়ারিং সেটা ধার্য করেছেন। অনুব্রত মণ্ডলের থেকে যে দুটি মোবাইল ফোন সিজার হয়েছিল, সেই সিজার ওনারা চেয়েছিলেন সিএফএসএলে পাঠাতে, তাতে আমরা অবজেকশন দিয়েছিলাম, সেটা 1 তারিখে হিয়ারিং ধার্য হয়েছে। দেখুন ইন্টারোগেশন করতে পারবে, তখন আমরা অবিলম্বে আমরা তার প্রতিবাদ করি, তারা আমরা এটা বলি যে ইন্টারোগেশন করাটা এই মুহূর্তে যেহেতু একজন অসুস্থ মানুষ, তাকে ইন্টারোগেশন করাটা সঠিক নয়। যদিও মহামান্য আদালত সেই আবেদন সিবিআইয়ের ইয়ে মান্যতা দিয়েছেন সেই আবেদনে, কিন্তু তার সাথে এটাও বলেছেন যে যদি ওই আবেদন যদি ওনার আদৌ ইন্টারোগেশন করতে যান তাহলে সব ধরনের মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স ওনাকে দিতে হবে। থ্যাংক ইউ। মানে অনুব্রত মণ্ডলের যে প্রভাবশালী তত্ত্ব বা যে ওটা আদালতে যা বলেছি এরপরে আর আমি জাস্ট অর্ডারিং পার্টেই বললাম। থ্যাংক ইউ। क्या कहना है कि ये जो हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हमारी पार्टियां हैं उन पार्टियों का कैश है और उससे मैं शेयर ट्रेडिंग काम कर रहा हूं। बहुत से लोगों का जो प्रॉफिट है वही पड़ा हुआ है, जिसको कि मैं थ्रू बैंक अकाउंट उनको वापस करता हूं अपना, वो ये पूरी केस है। अब हैगा कि यदि कैश पकड़ा गया, इस कैश को यहाँ के लोकल डिपार्टमेंट, इनकम डिपार्टमेंट है या GST हो, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया नहीं अभी तक। जो है अभी सुबह ये अभी उन्होंने मेटर करा है और अपने कोर्ट में करेंगे रिमांड पर लेने के लेकर बच्चे को साथ, ये लोग हैदराबाद ले जाएंगे कुछ में, और साथ ही कैश भी हैदराबाद चला जाए, इसलिए कि चूंकि जुरूसन उसका बनारस का है, इसलिए कैश भी बनारस में ही डिपार्टमेंट जमा होगा इनकम टैक्स में, न कि ये कैश आपके हैदराबाद जाएगा अपना। जो ये टेक्निकल इशू फंस रहा है, क्या ये सेबी से रजिस्टर्ड था ये संस्था, ये किस तरह? अब सेबी देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो भी आप कर रहे हैं, तो चाहे लाइसेंस आपके नाम से हो चाहे किसी नाम से, वो तो लाइसेंस, जिस वक्त बिना लाइसेंस का आप काम कर नहीं सकते शेयर ट्रेडिंग का। तो ये यदि ABCD किसी के नाम का लाइसेंस है तो सेबी में रजिस्टर्ड है, और वो उस आपके रजिस्ट्रेशन पर हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन तो ट्रेडिंग तो नंबर की ट्रेडिंग नंबर तुम कैसे हो जाएगी अपना, ठीक है? तो ये कोई नंबर दो, कोई टेंशन नहीं है। ये आमतौर पर होता क्या है कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, मतलब ऑनलाइन ही करते हैं अपना ना ट्रांजेक्शन, इतना बड़ा मुझे क्या मतलब है? अब कैश है उनका कहना कि भाई ठीक है, वो कई पार्टियां कैश देख गई हैं और उनके बहुत लोगों का पैसा वापस भी करना हमको प्रॉफिट का, इसलिए कैश पड़ा हुआ है मैं अकाउंट में डाल के उसमें ट्रांसफर करता हूँ अपना। वो अब क्या बताया जा रहा है कि हवाले का। तृणमूल कांग्रेस बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को आज आसनसोल स्थित CBI के विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया और इस बार CBI हिरासत में न भेजकर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिनों के लिए। 14 दिनों के बाद यानी 7 सितंबर को एक बार फिर से अनुव्रत मंडल की पेशी होगी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के न्यायाधीश ने यह फैसला किया। कई तरह के सवाल भी उठाए गए और उन सवालों पर विचार किया जाएगा 7 सितंबर को। फिलहाल पुलिस हिरासत में चले गए हैं अनुव्रत मंडल। देखिए कुछ खास तस्वीरें।
बस खैर उतना लंबा सफर नहीं किया। ओ अंकल आ जाओ। आइए आइए। सर मुगल सराय हमको कल बताया गया कि हैदराबाद से पुलिस आई है। एक अभिषेक जैन जी हैं, ये अपने शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, अपनी कंपनी में शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं और थ्रू नेटवर्किंग। तो उसी इनको किसी पार्टी का वो वहाँ पे जो शेयर ट्रेडिंग कर रहा था उसका लाश हुआ जो है, तो उसने FIR दर्ज किया इनके नाम से। FIR दर्ज करने में आया कि उनका कुछ लॉस हुआ, तो लॉस को क्लेम किया और रजिस्टर्ड FIR हुआ। उस FIR को के रजिस्टर कापी लेके वारंट लेके ये लोग यहाँ आके इनके यहाँ इंक्वायरी करने आए थे, भाई ये पैसा आपने उनका लिया हुआ है, पैसा उनका वापस करो। तो इन्होंने ये बताया कि भाई पैसा हमने लिया नहीं है उनका, वो खुद से ट्रेनिंग अपना कर रहे थे, उनका लॉस हुआ है, फिर भी यदि सर आप बोल रहे हैं तो हम उसको पैसा का उनको मैं वापस कर दे रहा हूँ। वो पार्टी बोले कि ठीक है हमारा पैसा सर मिल गया, केस मैं अपने को विड्रा कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग उससे आगे बढ़ गए, ये लोग पूरे ऑफिस का इनको इन्होंने उसका सर्च किया। ऑफिस के सर्च में इसके यहाँ जो है 9.81 करोड़ जो है CR आपका कैश इनके यहाँ मिला।